छड़ यहाँ पे ढलैया का काम किया जा रहा है, अब पूरा लोहे का ही बना है, वर्कर इसमें रहते हैं सब लोग। लाइटिंग लाइट लगाने वाला गोल, जो पीला वाला है गोल गोल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम है वाराणसी के गंजारी गांव में, जहां पे स्टेडियम बनाने का काम किया जा रहा है। और स्टेडियम का जो काम है वो देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टार्ट हो चुका है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि यहाँ का जो स्टेडियम है वो जो कार्य हो रहा है वो कार्य कहाँ तक पहुँचा है। और दोस्तों देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पीले कलर का, इसमें जो है सीमेंट वगैरह डाल के मिक्स किया जाता है। और काम देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए इधर देखिए पूरा गड्ढा वगैरह। बाकी अगर उस तरफ देखिए ये जो दिखाई दे रहा है इसमें जितने भी वर्कर हैं सब लोग उसी में रहते हैं। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए तो ये पूरा इसमें वर्कर रहते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए ये गड्ढा खना हुआ है, अब क्या काम हो रहा है चलिए आपको दिखाते हैं। और देखिए बाकी जितने भी मशीन वगैरह हैं देखिए सब इधर हैं, चलिए थोड़ा पास से दिखाते हैं। इधर देखिए यहाँ पे पिलर बनाने का काम स्टार्ट है, ये आइए थोड़ा सा आगे दिखाते हैं, यहाँ पे काम चल रहा है, पूछते हैं क्या है। ये पिलर देखिए यहाँ पे बन रहा है, जितने भी वर्कर हैं यहाँ पे देखिए सब काम कर रहे हैं। ये अच्छा पिलर बन रहा है क्या यहाँ पे, लाइटिंग वाला ना, लाइटिंग लाइट लगाने वाला। अच्छा अच्छा ड्रेसिंग प्लांट, बेसिंग प्लांट। अच्छा अभी ये जैसे इसका काम नहीं हो रहा है क्या स्टेडियम वाला? अच्छा अच्छा न्यू तैयार होगा तब जाके, पहले ये प्लांट वगैरह बन जाएगा उसके बाद। हाँ अच्छा अच्छा नहीं नहीं सही बात करें आप। और अच्छा उधर वो जो घर उधर उस तरफ बन रहा है रूम, वो क्या है? वो पानी टंकी है ये जो घर बन रहा है इधर। अच्छा ये रूम है जैसे लेबर ओबर को रहने के लिए। आइए थोड़ा सा इधर से दिखाते हैं। तो अभी देखिए अभी जो स्टेडियम का काम है वो तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन लेबर को रहने के लिए और जो यहाँ पे मटेरियल लगेगा वर्करों के लिए ये पूरा अभी किए काम पूरा देखिए स्टार्ट है। उधर देखिए वॉशरूम वगैरह देखिए वहाँ पे बना हुआ है, थोड़ा इधर से हम जूम करते हैं। ये देखिए ये वॉशरूम है, बाकी ये देखिए पूरा लोहे का ही बना है, वर्कर इसमें रहते हैं सब लोग। अच्छा आप लोग इसी में रहते हो? नहीं। और देखिए इधर आपका बन रहा है ये इस तरफ यहाँ पे, बाकी यहाँ पे उस तरफ देखिए वहाँ पे स्टेडियम का काम स्टार्ट है ना, आप जोख देखिए वो लोग कर रहे हैं ये यहाँ पे। ये देखिए बाकी सब मशीन वो बड़े बड़े मशीन रखे हुए हैं। तो इधर देखिए इधर अभी ये नया नया ये वर्करों के लिए बनाया गया है, इधर ये कह रहे हैं स्विमिंग पूल, स्नान करोगे ना। और अच्छा इधर ये पूरा क्या बना है जैसे इधर का? हाँ ये सब किचन, मतलब वर्कर जो काम करेंगे उनके लिए ना। अभी स्टेडियम का काम नहीं हो रहा है क्या? नहीं नहीं अभी स्टेडियम का काम उधर हो रहा है। अच्छा उधर। अच्छा ये जो चारों तरफ से जैसे जो जेसीबी के द्वारा खोदा जा रहा है बाउंड्री कर किया जाएगा क्या वहाँ पे? बाकी अच्छा ये आप लोगों के लिए किसके लिए बनाया गया वॉशरूम वगैरह ये जो है? आप ही लोगों के लिए है? आप लोग कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से आए हो? आप भी बिहार से हो? चलिए ठीक है। कितने दिन से आप काम कर रहे हो आप लोग? तीन महीने से। तो देख सकते हैं ये है स्टेडियम का कार्य। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा जो स्टेडियम का कार्य है वो तो अभी हालांकि नहीं हो रहा है, उसका नींव अभी नहीं पड़ा है। बाकी वर्कर जैसे जो वर्कर स्टेडियम को बनाएंगे काम करेंगे अभी उनका रहने के लिए और खाने के लिए जो भी व्यवस्था है पहले पूरा किया जाएगा, उसके बाद
स्टेडियम बनाने का काम स्टार्ट होगा। ये कब से होगा मालूम है कि नहीं आप लोगों को? जनवरी से 2025 से स्टार्ट होगा। 2024 तो बीतने वाला है, बीतने वाला तो जनवरी में ही स्टार्ट होगा। जैसे कि बताया गया था कि मतलब इसका नींव जो रखा जाएगा वो 2025 में यानी 24 में, 24 से जनवरी में या फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा काम। और बाकी ये सब जितने भी अभी काम हुए हैं ये सभी वर्करों का हुआ है, यानी जो यहाँ पे आएंगे मिस्त्री लेबर और भी जो वर्कर रहेंगे उनके लिए व्यवस्था किया गया है। और स्टेडियम का भी सिर्फ घेराव किया गया है, अगर आप देखेंगे जेसीबी लगाया गया है, पहले बाउंड्री होगा उसके बाद इसका नाप जोक हो रहा है और आगे जैसा भी होगा अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। फिलहाल में आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ का पूरा अपडेट दिया, क्योंकि तो देखिए ये सब है यहाँ पे, शायद उन लोगों को नहाने के लिए बनाया गया है ये। और आपको थोड़ा सा चलिए आगे से दिखाते हैं स्टेडियम में क्या हो रहा है अभी। और ये देखिए छड़ यहाँ पे ढलैया का काम किया जा रहा है, और इधर देखिए वाशरूम वगैरह बनाया गया है ये। अच्छा ये टैंक बनाया जा रहा है क्या? टैंक तो ये टैंक है, देखिए पूरा टैंक का काम हो रहा है इधर। चलिए आगे चलते हैं, इधर देखिए वेल्डिंग हो रहा है पूरा। ये वेल्डिंग का देखिए पूरा काम हो रहा है यहाँ पे, वेल्डिंग का ये मशीन है। और भैया क्या हाल हो? बढ़िया। वेल्डिंग वेल्डिंग बढ़िया से करते थे। हाँ अच्छा ये घर बनाने के लिए अभी कर रहे हैं ना वेल्डिंग? नहीं। हाँ हाँ मैचिंग प्लांट खड़ा करने के लिए। अच्छा मैचिंग प्लांट, तो बैचिंग प्लांट ये क्या होता है? ये जो गोल गोल पड़े हैं लंबे लंबे। अच्छा तो इससे क्या होगा? ये गोल जो पीला वाला है गोल गोल, ये कंक्रीट होने का टाइम। अच्छा कंक्रीट में मिक्स करता है। चलिए ठीक है, कंक्रीट के पोर्ट बना लिया लेंगे। काम है स्टेडियम का कब से होगा मालूम है आप लोगों को? स्टेडियम का तो चालू है मतलब। ठीक 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 जितना है वो होता है। तो ये देखिए सभी वर्कर, आप लोग कहाँ से हैं? मुरादाबाद। चलिए आप लोग ये देखिए मुरादाबाद से आए हैं। इधर का अगर देखेंगे तो इधर देखिए इधर भी जितने भी वर्कर रहने के लिए जो व्यवस्था है वर्करों का देखिए वहाँ भी है, वहाँ भी मशीन वगैरह लगाया गया है। बाकी देखिए जो अधिकारी वगैरह आते हैं ना उधर ही आते हैं। और ये देखिए वहाँ पे मशीन लगा हुआ है, जेसीबी लगा हुआ है। तो दोस्तों ये छोटा सा अपडेट था गंजारी स्टेडियम को लेकर के, और आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे कितना काम हुआ है अभी तक। हालाँकि जनवरी से ये जो काम है वो थोड़ा सा तेज़ी हो जाएगा काम में। और कैसा लगा यहाँ का वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा इस स्टेडियम को लेकर के। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।